मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सन 1993 मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की कब्र का एक फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि याकूब मेमन की कब्र को मार्बल और लाइट से सजाया गया है। फोटो सामने आने के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता राम कदम ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रहते हुए याकूब मेमन की कब्र मजार में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि मरीन लाइंस रेलवे स्टेशन के सामने करीब 7 एकड़ में बना बड़ा कब्रस्तान में 5 साल पहले फांसी दिए जाने के बाद याकूब मेमन की लाश को दफनाया गया था। अब याकूब मेमन की कब्र की तस्वीर सामने आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि याकूब मेमन की कब्र को मार्बल और लाइट से सजाया गया है। इस बारे में जब बड़ा कब्रस्तान के कर्मचारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कब्रस्तान में कई ऐसे कब्र हैं जिन्हें मार्बल से सजाया गया है। कुछ लोग बहुत पहले से कब्रस्तान में अपने रिश्तेदारों के लिए जगह लेकर रखी है, जिसका वो सालाना फीस भरते हैं। ऐसे ही याकूब मेमन के कब्र वाली जगह को बहुत पहले से लिया गया है। याकूब मेमन के कब्र के पास 3 और कब्र हैं जो उनके रिश्तेदारों के हैं। कब्रिस्तान के कर्मचारी अशफाक बताते हैं कि लाइट वाली बात किसी ने शरारत की है, क्योंकि पूरे कब्रिस्तान में जगह जगह लाइट लगी हुई है जो शाम 6 बजे से 11 बजे तक जलती है, उसके बाद बुझा दिया जाता है। लेकिन अगर किसी को इस दौरान मैयत दफनाने की ज़रूरत होती है तो इस लाइट को दोबारा जलाया जाता है। याकूब मेमन के कई रिश्तेदार आते हैं जो कब्र की साफ सफाई का ख्याल रखते हैं। बड़ा कब्रस्तान के कर्मचारी अशफाक ने कई और कब्र दिखाए जो मार्बल से घिरा हुआ था। उन्होंने कहा है कि शब-ए-बारात के दिन पूरे कब्रस्तान को सजाया जाता है और लाइट भी लगाई जाती है। हो सकता है कि ये फोटो उसी वक्त का हो। मुंबई में बड़ा कब्रस्तान के कर्मचारी अशफाक मोहम्मद ने इस पर क्या पूरी जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। याकूब मेनन को जहां दफनाया गया था उस जगह की कई सारे लाइट्स लगे हैं, लाइटिंग लगी है, क्या मामला है ये तो पुरानी सारी तस्वीर है और कब्रस्तान की जो टाइमिंग रहती है शाम में जब लाइट शुरू होती है तो टाइमिंग के मुताबिक वो लाइट चलती है और टाइमिंग के हिसाब से बंद हो जाती है। ये किसी की शरमगेजी है और कुछ नहीं। इसे लेकर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि याकूब मेमन की इस खबर को क्या मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ मार्बल लगाया गया कहीं तक के दूर दूर तक के नजर नहीं आता है, क्योंकि और भी कई मजारात आप लोगों ने देखे और अगर बनना होती तो ये कई साल हो चुके इसको बुरियल करके, ये उसी वक्त बन सकती थी। ये जो अलग अलग तरह से कई कब्र देखा जिसमें पूरी तरह से मार्बल लगाया गया है, अलग अलग तरीके से लोग घेरते हैं, ये किस टाइप का ये कब्र होती है या किसी का कुछ पर्सनल होता है? डिपेंड है अपनी अपनी फैमिली से, जिन लोगों को ज्यादा लगाव रहता है तो वो लोग अपनी आस्था के हिसाब से आकर डिमांड करते ट्रस्ट से कि भाई हमको परमिशन दो, और ये पुरानी परमिशन दी गई, आजकल की परमिशन नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो रिपेयर या मेंटेनेंस का काम होता है, किसी भी कब्र को देख रेख करने का काम होता है, चाहे मार्बल लगाना हो या उसे सजाना हो, तो उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेता है? फैमिली लेती है, ट्रस्ट लेती है? फैमिली जामे मस्जिद में राइटिंग में देती है, वहाँ से परमिशन मिलती है, काम होता है। तो याकूब के परिवार वालों से किसी ने इसका देखरेख की जिम्मेदारी ली है? इसका तो इन नहीं है, लेकिन ये जुम्मा मस्जिद और बॉम्बे ट्रस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पता चलेगा कि इसके मेंटेनेंस फीस कौन भरता है और कौन इसके बारे में ज़्यादा वो करता है। इस कब्र पे अक्सर कौन कौन आता है? ये तो देखो धर्म स्थल है और यहाँ पर मस्जिद हो या कब्रस्तान या दरगाह हो, यहाँ पर हर किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी आ सकता है और कोई भी आके जा सकता है। किसके परिवार के सदस्य कोई आते हैं यहाँ पे? आते भी होंगे लेकिन हम लोगों को तो इतना ज़हन नहीं है, क्योंकि लगभग कई लोग आते हैं, अभी कई लोगों को बुरियल स्पेस पता नहीं होता है तो बेचारे कहीं पे भी खड़े होकर हाथ उठा के पूरे कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ करते हैं। अभी ये मेंशन नहीं होता है कि भाई कौन उसके रिलेटिव हो।
अच्छा, आज ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस भी शाम को आई थी वो देखने के लिए लाइट वगैरह, पुलिस? नहीं, ऐसा तो कुछ इशू नहीं था। अगर आई भी होगी तो आके अक्सर वो कुछ भी प्रोग्राम वगैरह रहता है तो वो लोग आते हैं, और हमारे इधर तो दलवीर साहब भी, दलवीर साहब का भी यहाँ पे